नमस्कार। आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश आज के मुख्य समाचार। गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का जथेदार अकाल तख्त ने किया स्वागत। अमृतसर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुआ 40 श्रद्धालु का जत्था। अमृतसर पुलिस ने तस्करों से बरामद की 30 पैकेट चरस। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा में गुरुद्वारा सौद बिल पास होने से खुशी प्रकट करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह जी ने इसे सिख कौम की पहली जीत करार दिया है। उन्होंने इसके लिए सभी सूबा सरकार तथा राज्यसभा की सभी मेंबर्स का धन्यवाद किया और कौम को आ रही दरपेश मुश्किलों के लिए एकजुट होने की बात कही। वहीं उन्होंने सभी धर्मों का सत्कार करते हुए कहा कि धर्म कमेटी में केवल उस धर्म के लोग ही शामिल होते हैं, इसलिए सिखों की सिरमौर संस्था श्रोमणि कमेटी को चलाने के लिए कोई गुरप्यारा ही मेंबर बन सकता है। साथ ही कहा कि जिस तरह से ये बिल राज्यसभा में पास हुआ उसी तरह से इसे लोकसभा में भी पास करने की सरकार को अपील की जाएगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा एक्ट विच सोध दा जो खबर आज मीडिया विच छपी है, इहदा समुचे खालसा पंथ वालों बहुत ही शलाघायोग उपराला दस्या गया है और इस नूं बहुत ही सुहिरदता दे नाल लिया गया है। दास भी विधानसभा राज्यसभा का बहुत बहुत धन्यवादी है जिन्होंने ये चरोकनी जो पंथ की मंग सी इसनों स्वीकार करद्या होया गुरद्वारा एक्ट के सोध की गई है। असी सारिया के ही सत्कार करते हाँ, पर गुरु घर का जो प्रबंध है ये केवल जो त्यार प्रत्यार सिंह ने उन्होंने हाथ में होना जरूरी है, क्योंकि इतों गुरमर्यादा के अनुसार गुरमत के प्रचार से प्रसार वास्ते हमेशा सुनिया दिता जाता है। जिस तरह सारे धर्म सत्कार योग ने मंदिरों की धर्म कमेटी है तो उस दे विच हिंदुओं नूं वोट पाउण दा अधिकार है, अगर मसीतां दीआं कमेटियां बनिया हुई मुसलमानां नूं अधिकार है, गिरजिआं विच अंग्रेज़ां नूं अधिकार है। इस तरह सिखां दी मंग सी कि गुरुद्वारिआं दे विच केवल जिहड़े त्यार प्रत्यार सिंघ ने उन्हां नूं ही वोट पाउण दा अधिकार होवे, जिस नूं इह दोनां सदनां ने बहुत गंभीरता दे नाल लैंदिआं होइआं इस नूं प्रवानगी दित्ती है। दास फिर धन्नवादी है। जिस तरह तारा 25 की सोध करन दे वास्ते है, इस तरह आनंद मैरिज एक्ट है और इस प्रकार ही जो 1984 दे कतलेआम किया गया जिन्हां नूं सजावां नहीं मिलियां अज तक 35 साल का समा गुजर चुकिया है, और इस प्रकार ही जितने भी सारे होर मसले ने उन्हां सारे मसलियां नूं सुहिरदते दा नाल विचार के समुची कौम इकट्ठी होवे। सारिया मसलियां दा हल इको ही है कि जदों असीं इकट्ठे हो जाने हैं तो सारे मसले साढ़े अपने आप हल हो जाते ने। अज लोड़ है समुची कौम नूं इकट्ठियां होण दी। इकट्ठे हो के सारे जितने भी साढ़े दरपेश मसले ने उन्हां ते असीं विचार करके सरकारां नाल मिल के उन्हां दे हल वास्ते उपराला कर सकते हैं। जिथे जिथे भी गुरुद्वारे साहब ने उन्हां दा प्रबंध सख्त करिए, इस करके बेनती की गई सी कि जितने गुरुद्वारे साहब घट होणगे उतना ही प्रबंध उन्हां दा अच्छी तरह किया जा सकता है। जिन्ने गुरुद्वारे ज़्यादा बनते जा रहे ने असी अवेसले होंदे जा रहे, उन्नियां ही घटनावां ज़्यादा वापरदियां ने। और जिथे किते कैमरियां दी लोड़ है वह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहलों प्रधान साहब वालों कहा गया है, दिल्ली कमेटी वालों कहा गया है, जेड़े अपने आप गुरुद्वारे में कैमरे नहीं लवा सकते वह श्रोमणी कमेटी या दिल्ली कमेटी के नाल संपर्क करन, उन्हां दी जेड़ी भी मदद है वह की जा सकेगी, उत्थे कैमरे लवा के दिते जा सकनगे। सानू सारियां नूं इस गल ते सुचेत होना चाहिए। कुछ क मसले ऐसे ने जेड़े दोषी समय मौके दे उत्ते फड़े गए, प्रशासन नूं पुलिस नूं चाहिए कि उन्हां दी तह तक पहुँचे कि ये कारा उन्होंने क्यों किया जां किसने कराया, और जो भी दोषी ने उन्हां तो उन्हां दे उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए ता किसी नूं कोई हीया ना पवे।
और पंजाब सरकार को चाहिए है कि एक मता पास करके भेजे कि जो धारा 295 ये तब्दीली करवा के इस दोषियों चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी करने वाला है, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेदबी करने वाला है, धार्मिक स्थान की बेदबी करने वाला है, उहदे तो सख्त सज़ा होवे। जिस तरह मजीठिया साहब का बयान आया सी कि 302 ला के उसनू फांसी होनी चाहिए है, इस करके फांसी होवे, उहनू मौत की सज़ा दी जाए, उहनू कटहरे दे विच ही उहदे ते कार्रवाई की जाए, तो कोई भी ऐसा कारा नहीं करेगा जिस करके किसी अस्थान की किसी धर्म ग्रंथ की श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी होवे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच कथा कीर्तन हो सकता है, गुरमत के उत्ते लैक्चर हो सकते ने, गुरमत के उत्ते प्रचार हो सकता है, गुरबाणी की संथ्या हो सकती है, कीर्तन सिखाया जा सकता है, भंगड़ा नहीं सिखाया जा सकता। भंगड़ा तो सतगुरु पातशाह की पावन हजूरी विच सिखाउणा बिल्कुल सतगुरां दी बेदबी है, जो किसी प्रकार भी कौम इस नूं बर्दाश्त नहीं करेगी। जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां नूं ताड़ना सहित मैं कहना चाहुंदा हाँ कि वह बच्चों नूं भंगड़ा सिखाउण पर किसी निवेकली थां दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी विच ऐसी कार्रवाई ना करन जिस करके कल नूं उन्हां नूं पंथ दे पेश होना पवे। सर्वधर्म सहयोगी संस्था की तरफ से 41 लोगों का जत्था श्री अनंतपुर साहिब के लिए पैदल रवाना हुआ और ये जत्था 4-5 दिन में ही अमृतसर से चलकर श्री अनंतपुर साहिब पहुंचेगा तथा वापस आएगा। वहीं इस संस्था के मुखी विक्रम सिंह ने बताया कि हम श्री अनंतपुर साहिब के दर्शनों के लिए अमृतसर से 40 लोगों का जत्था लेकर जा रहे हैं और इसके पीछे मुख्य मकसद पंजाब में अमन शांति कायम करना है और ये हमारी दूसरी यात्रा है जो हम पैदल निकाल रहे हैं और हम सब यहाँ से नंगे पाँव ही जाएंगे तथा वापस भी आएंगे। असी जी श्री अमृतसर तों श्री आनंदपुर साहब जा रहे हैं जी, ये साड़ी दूसरी पैदल यात्रा श्री आनंदपुर साहब, यह साडा 40 जणिआं दा जत्था है जी। मैसेज है भी गुरु दे नाल लगो और बहुत वड्डा मेला लगता श्री आनंदपुर साहब दसवीं पातशाही का, तो बाबा जी भी साढ़े पूरे शहर पर कृपा बनी रहे और बाबा जी अपने चरणों के नाल जुड़न, साडे नौजवान पीढ़ी नूं जिहड़े नशे में जा रहे हैं तो गुरु अपने चरणों नाल लावे तो सब दी चढ़दी कला होवे। फ्री जा पैदल यात्रा जी है, यात्रा ही है, बस सेवा ही है, सारे रल लगे। गुरदासपुर जिले के गांव धर्माबाद में दहशत का माहौल बना हुआ है क्योंकि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी बेटियों पर दहशत का साया मंडरा रहा है और आए दिन कोई ना कोई बेटियों के साथ शर्मसार करने वाला हादसा सामने आ रहा है। दरअसल 8वीं कक्षा की छात्र से स्कूल के ही साजन नाम के मनचले द्वारा छेड़छाड़ करने के मामले में उक्त को स्कूल से निकाल दिया गया था। इस बेइज्जती को उक्त सहन नहीं कर पाया और उसका बदला लेने के लिए उसने अपने साथी की सहायता से पेपर देकर घर लौट रही लड़की पर तेजाब फेंका जिसमें 5 लड़कियां घायल हो गईं और एक की हालत गंभीर होने के चलते उसे गुरु नानक देव हॉस्पिटल अमृतसर रेफर कर दिया गया है। इस संबंध ही DSP डेरा बाबा नानक सरदार हरपाल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है और दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਮਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਛ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸਾਜਨ ਉਹ ਫਰਾਰ ਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ SPD SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 328 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ। वार्ड नंबर 59 के अंतर्गत आती आबादी फतेह सिंह कलोनी में एक मकान के ऊपर लगे मोबाइल टावर का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है।
इसके चलते लोगों ने इस संबंधी जाम लगाकर काली झंडियां दिखाई और टावर ना हटाने की सूरत में चुनावों में अकाली भाजपा का बायकॉट करने की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग को ना माना गया तो विरोध और तेज किया जाएगा। हालांकि हरपाल सिंह पन्नू का कहना है कि उनके पड़ोसियों ने टावर को लगने की मंजूरी दी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं वह दूसरी गलियों में रहते हैं और इन लोगों द्वारा जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है। इस इलाके फतेह सिंह कलोनी सरदार हरपाल सिंह पन्नू के मकान के उपर एक टावर लगा हुआ है जिसके बारे इलाका निवासी मतलब कंप्लेंट करते पे आ। उत्थे दो तेरा बनिया हुई एक्चुअली अद्धे लोग कहते पे कि सानू इस टावर तो प्रॉब्लम हैगी, अद्धे लोग कहते पे कि सानू इस टावर तो प्रॉब्लम नहीं हैगी। इन्होंने सानू एक कंप्लेंट दी सी साडे डिपार्टमेंट च, ते जिहदे विच जिन्हां लोगों नू कंप्लेंट सी उन्हां दे फोन नंबर ते नाम प्रॉपर मतलब दिते गए सीगे। ते दूजी धिर नू असीं एक नोटिस भेजिया सीगा जिहदे जवाब विच उन्होंने भी एक सानू एफीडेविट सारे इलाके वाले लोगों के एफीडेविट दिते आ। ते असीं हुण मौके ते डिसाइड करन आए हां कि एक्चुअल ते जिहड़े एफीडेविट दिते आ उह लोग उन्हां दे आले दुआले रहिंदे आ कि नहीं रहिंदे, ठीक है ना। असीं कल्ले कल्ले को परसनली जाके पुछिया आ कि तुसीं एफीडेविट दिता तुहानू इस टावर ते कोई प्रॉब्लम तां नहीं आ। जिन्होंने दिते उन्होंने सारे ने कहा कि सानू कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। हाँ जी, हाँ जी, पड़ताल से जिन्हों लोगों ने भी एफीडेविट दिते ऑलमोस्ट उन्होंने घर के सराउंडिंग जोड़े से उन्होंने सारे ने एफीडेविट दिते ते कल्ले कल्ले घर तो असी जाके पूछे। तो एक दो घर बैकसाइड से भी है जिन्होंने प्रॉब्लम भी हैगी, मतलब यही कि पिछली गली कुछ घर इदा भी जिन्होंने प्रॉब्लम हैगी। जिन्होंने प्रॉब्लम हैगी ये बारे मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं डिपार्टमेंट मैं डिसाइड कर आई हाँ कि टावर मौके पर कार्रवाई है। मैं तो मौके पर यही डिसाइड कर आई हाँ कि जिन्हों लोगों ने एफीडेविट दिते एक्चुअल च एफीडेविट सही है, मतलब उन्होंने उही लोग आले दुआले कितने कितने रेंदे हुए हैं वो चीज़ मैं एज पर एफीडेविट मतलब कन्फर्म कर ली हुई है। राणा इलाका फतेह सिंह कलोनी टावर की आप कंप्लेट पाई ही, अज मैडम आए ही तो साढ़ा कोई हाले सुनवाई नहीं होती। तो महल वाले सारे मेरे नाल महल के पिछली गली के भी पूछा वा अने घर घर जाके उन्होंने भी कहा वा भी सानू ये टावर का भी दिक्कत आ रही है जो भी आ। तो आप चाहते हैं सारे महल वाले भी लथना चाहिए वा परेशानी है। तो तुम्हें पता ही भी सर्टिफिकेट किन्ने माड़े आ, तो पंछी भी नहीं कोई दीदा अजकल। तो जे 15 नंबर गली पहले टावर लगा ही उतों भी लथा इन्होंने लवाया, तो हूँ पराड़ी वालों भी लगा ही उत्थे भी इन्होंने सारे ने नाल जाके लवाया, तो हूँ इन्होंने कोठे पर आ गया तो हूँ सही हो गया वा। साड़ी यो ही मंग आ कि टावर लथना चाहिए वा, नहीं तो आप धरने भी लावे। तो हरपाल सिंह पन्नू अपने अकालिया का प्रधान है, वार्ड प्रधान, तो अपनी सरकार का नजायज़ फायदा उठा दिया वा, धक्केशाही करता पाया महल के नाल। आज अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में नए खुले सलून हेयर्स इन में एक्टर राजा सग्गू जी ने शिरकत की। इस मौके पर सलून के मालिक राजू ने बताया कि उनके 3 जगहों पर सलून है, लुधियाना, चंडीगढ़ तथा जलंधर में भी अपने सलून की जल्द ही ओपनिंग करने जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने मुख्य मेहमान का स्वागत किया। इस दौरान एक्टर राजा सग्गू जी ने बॉलीवुड के अलग अलग एक्ट्रेस की आवाजें निकालकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर विकास दत्त, वीरेंद्र पाल सिंह आदि उपस्थित थे। जी एफ सी गोडफादर नेटवर्क का बहुत बहुत थैंक कि तुसी मेरी इंटरव्यू ले रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस सलून से। ये सलून है, इस सलून में मैं गोरी को यहाँ पर भेजूंगा। हेयर सैन इन और भी बोल सकते हो, बोलो ना आप। धर्मिंदर की तरफ से मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा दोस्त राजू है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। बहुत लाइक करते हैं इतने, कभी भी आना तो मैं राजू जी दी हेयर सलून हेयर इन सलून दे डेफिनेटली इतों होकर फिर मैं बॉम्बे जाना है, खास करके क्योंकि मेरे फेवरेट सलून है। और मैं तुसी भी सारे आओ और वाकई इतों मतलब स्पा एंड ऑल सब कुछ होंगे है, दुल्हन रेडी होंगी है। अगर शादी के काफ़ी सीजन होंगे ने मैं थले जाके भी देखिए कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ा होर नवी तैयार की हैं इस सलून के, होर नए प्रोडक्ट आए ने बहुत नवे प्यारे जो कि नीड जी होंगी है किसी पब्लिक की वो पूरी होंगी। इतने अलग अलग स्टाइल यो यो हनी सिंह तो लैके अमरीश पुरी स्टाइल सारे कर सकते हैं आप। सो और मैं एको गल कहांगा सलमान खान के स्टाइल से क्योंकि सारी दुनिया मैंने ज़्यादा सलमान खान के स्टाइल से ही जानती है और मैं बहुत सारे रजनीकांत भी जिस तरह मेरे बहुत सारे करैक्टर बॉम्बे जो तुम देखे ने और मैं तुम सलमान खान के आवाज़ यही कहांगा ये मेरे दोस्त राजू जी हैं, ये मेरे प्यारे दोस्त हैं,
हम इनको बहुत प्यार करते हैं क्योंकि ये हमें प्यार करते हैं, हमारी अच्छी कटिंग करते हैं और मेरी पूरी फैमिली की कटिंग करते हैं। इतनी अच्छी कटिंग कहां से सीखी आपने राजू जी? सर बस ताड़ा आशीर्वाद चाहिए सर, तुसी आओ मेरे कोल ते कुछ सर्विस मैं एंजॉय करूं, आके देखो मैं अच्छा गा रहा कि नहीं अच्छा गा रहा। कुछ स्पेशल बैक कर रहा है कोई? हां सर कुछ पैकेजेस है, तुसी इत्थे आके देखोगे और विजिट करो पहला आके, फिर काफी अच्छे पैकेजेस है, आओ ते सर पैकेजेस अवेल करो। थैंक यू। पंजाब में किसान आर्थिक तंगी के चलते लगातार आत्महत्या कर रहे हैं और अब इसमें एक नाम पंजाब के बटाला के पास पड़ते दामोदर गांव के रंजीत सिंह का भी जुड़ गया है। तीन बेटियों के पिता रंजीत सिंह ने अपनी 6 कनाल जमीन पर लैंड मार्केज बैंक से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था जिसे वह चुका नहीं पाया, जिस वजह से बैंक ने रंजीत के खिलाफ कोर्ट केस कर दिया। रंजीत डर के मारे अदालत में पेश नहीं हुआ जिस वजह से पुलिस ने उसके घर पर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पुलिस के आने पर वह घर से भाग जाता, उसे डर था कि पुलिस उसे जेल में डाल देगी और अब इस बात से वह काफी परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते उसने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नहीं मैं अंदर नहीं मैं जाना, मैं अंदर नहीं जाना, मैं कोई गल नहीं कुछ नहीं हुंदा, ये गांव शाह हो जाता है। कर्जा तो ज्यादा नहीं है अंकल, 1.5 लाख रुपये सारा ही नहीं, किन्ना कर्जा, कर्जा तो कोई नहीं है, पता नहीं दिमाग की हो गया। दिन सर इन्होंने ना पैसे ले सी बैंक को, पहला बैंक वाले चक्कर मारते सी पैसे दो, पैसे दे नहीं सकया खेती बड़ी करने वास्ते ले, तो उस तो बाद मुड़ के उन्होंने कोर्ट केस ला दिता। कोर्ट केस लाने कारण इन्हें मुड़ के पुलिस पैन लग पी, रोज़ आई मेरी पेश, तो पेश नहीं होया, तो इन्हें फिर परसों आई पुलिस, तो वेख के तो रात इन्हें यह काम कर लिया। फा लैके गुडिया इन्ह दिन तीन आ, एक 9 साल की, एक 5 की, एक 2.5 साल की, बेटा कोई नहीं, जमीन सारी शेक नाला जी ये ना तो जमीन। सर वेखो सरकारां कह दिंदियां करदियां कुछ नहीं है, हाँ जी आ करांगे, वेखो इन्हां खेतीबाड़ी करन लई लिया सी, 6 कनाला सारी जमीन आ, उहदे विचों की लब्भणा सी, अगे रेट कोई नहीं रहा, बासमती दा लाई सी तो वी घट निकली, कुछ बीमारी पै गई ते करजा दे नहीं सकिया गौरमेंट दा, इहने परेशानी करके इहने खुदकशी कर ली है। इहदा नाम रणजीत सिंह है, साना बलकार सिंह, कौम जट वासी दमोदर, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤਿੰਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹੁਣ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। अमृतसर के चौंकी अनगढ़ की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब नाकेबंदी के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति अमनदीप को नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया। इस दौरान एएसआई सरदार गुरजीत सिंह ने बताया कि नाकेबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस को काफी लंबे अरसे से उक्त आरोपी की तलाश थी। उक्त आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। उक्त आरोपी को मान्योग अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और इस दौरान उससे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं और ये किनको नशीले पदार्थ सप्लाई करता था। एक अमनदीप सिंह इलेस अमन सैनाफ लेट अवतार सिंह गली नंबर 3 आनगण का रहने वाला, ये जो नशीले पदार्थ स्मैक हैरोन नशीलियाँ गोलियां वगैरह का धंधा करता, तो अज रात भी करीब 10-11 बजे उत्थे चैकिंग कर रहे ही, गश्त कर रहे ही, तो ये जो लड़का ये अगों आया पुलिस नूं देख के भज्जन लगा जदों, तो यह जो तलाशी ली तो ये कोलों 100 नशीलियां गोलियां बिना मारका जिहड़ियां बरामद हुई, जिसते दे खिलाफ मुकदमा नंबर 30 अंडर सैक्शन 21-62-85 NDPS तहत दर्ज रजिस्टर करके तो उन्होंने पेश अदालत किया जाए। तो दो मुकदमे पहला दर्ज ने NDPS के, तो ये लुक छिप के काफ़ी चिर तो कर रहा है, काफी चिर दी ते निगरानी हैगी पर आते पुलिस दी गिरफ्त च आ गई। बीते दिन तरनतारन रोड पर स्थित गंडा सिंह कलोनी में 2 गुटों में टकराव हो गया जिसका
मुख्य कारण था कि जब कपड़े प्रेस करने वाला सरबेस बिहारी प्रितपाल सिंह के घर कपड़े देने गया तो उनके कुत्ते को लेकर बिहारी और घर की मालकिन में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई, जिसके बाद उनके पड़ोसी गुरदयाल सिंह जो कि बिहारी के बचाव के लिए आगे आया, इस दौरान उनके साथ भी मारपीट शुरू हो गई। इस संबंधी चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार का ये कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो भी बनती कार्रवाई होगी की जाएगी। यहाँ पे सर हुआ, हम रेडी काम बंद किया, कपड़ा दे रहे थे इधर उधर भाग भाग के, और यहाँ दूध वाला आया भैया, सब बीबी दूध ले रही थी, तो हम उधर से आए तो इनके कुत्ता आएगा तो काटता है, तो हम कहा बीबी जरा इसको बंदर कर दियो जाए, वो गई घूम के पता नहीं पहले मुंडे से क्या दसे, बस वो आया बस हमारे हाथ पे हाथ मार एक चोट मार दिया, बस हमको ढकेल दिया, हमको वहाँ नहीं कुछ कहा, कहा तो यहाँ आग ठेकेदार के सामने द्वारे पे। मैं गुरदयाल सिंह जी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हाँ, इतने गंडा सिंह कलोनी का मैनु सारिया ने रल मिल के माण बख्शा जी प्रधानगी दी, असी कमेटी अपनी रजिस्टर्ड करवाई है इतने डिवेलपमेंट के कामों वास्ते, अभी कमेटी जी सा चल रही है जी। मसला यह हो साढ़े को भैया तकरीबन 15 साल तो इतने लगभग साड़ी गली के आके काम कर दिया बेचारा गरीब, इन्होंने आ के वध घट बोलना पे, तो मैं इनू रोकया वा भी इन गरीब न बेचारे क्यों मारन डे जी, भला मानस बंदा वा, वो मैनू भी बहुत उल्टा पै भी तू वा भलवान इतों परे हो जा तेरे वर्गे अं भी वेखे, तो इन्हू बेचारे धक्के मार के चपेड़ा बिलों मारिया धक्के मार के थले सुटता वा। भाजी कुछ नहीं, मेरे माता जी दुध पवाने लई बाहर निकले सीगे, तो अपना जिहड़ा पालतू जानवर आ कुत्ता मेरा वह बाहर निकलिया, जस्ट घूम फिर के अंदर वापस फड़ के लिया आंदा गया, तो जिहड़ा प्रेस वाला भैया जिन्हें शराब पीती हुई सी काफ़ी ज़्यादा, वह माता जी दे मतलब कि गलत बोल रहा सीगा, गाली गलोच करन दी कोशिश की उन्हें, वह भी किसी की शह देन ते पिछले। बिल्कुल जी, ये छोटी मोटिया गलों तो जी काफ़ी टाइम तो चलिया आ रहा सीगा जी, पहला जिवें अहीं किसी वेले कोई गली दे विच जिवें कार पार्क कर देनी, जबकि कार पार्क करन तो बाद काफ़ी जगह बजदी सी लंघन लई, उहदे बावजूद इन्होंने आके माता जी नूं खासकर उदो जदों 4 to 9 साडे घर कोई नहीं हुंदा बंदा, माता जी नूं मंदा बोलदे रहे हमेशा आके गड्डी साइड ते करो जी। मैं इक्को ही काम चाहुंदी हैगी आ, असीं घरेलू ही लोग हैगे आ, जो साडे नाल होया असीं नहीं चाहुंदे कि महल्ले दी किसी भी धी भैन दे नाल इह गल होवे। अज तो 3 महीने पहले असीं हार के इन्हां दी ऐसी शराब दे चर तो साडे बूहे अगे खड़े हो जांदे ने विचकार चौंक दे विच कुत्तियां नूं लै के, साडे भी घर पालतू कुत्ते ने पर असीं लोगों ने कोठे ते डके होए ने, कल अचानक साडी कुत्ती बीमार होण करके थले उतरी है जिस करके वह बाहर निकल गई, उसी ने किसी नूं कबड्डिया नहीं कुछ नहीं किया, जिस नूं पई हैगी वह इंसान भी तुहाडे सामने कहो ते असीं लिया के खड़ा कर सकते हैगे। तो इस बंदे ने सानू गाली गलोच पहले करवाई आप की, फिर भैया कोलों कराई, फिर मैनू इहदे मुंडे विक्की ने आके मेरी छाती ते मारी, तुसीं लोगों ने मेरी कमीज वेखी है सारी फड़ी, जे मैं स्वैटर ना पाई हुंदी ते मेरी कोई उस टाइम इज्जत वाली गल नहीं सी रह गई। मेरी बच्ची ने इस करके ट्यूशन असीं बंद कराई कि ना तो मेरे सदार जी घर हुंदे ने ना मेरा बेटा घर हुंदा उस टाइम, ते ए लोग बाहर 5-6 बंदे ने जिहड़े बाहर शराब पी के खड़े हो जांदे ने ते राती 8-8:30 बजे तक खड़े रहिंदे ने। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਪਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੇ ਤੀਰਨ ਦਾ ਲਾਗੇ ਭਈਆ ਵਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਕੱਪੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਥੋਪਾਈ ਹੋਏ, ਥੋਪਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਟ, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਤਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਭਈਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਏ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਪਸ ਆਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਲੜ ਪਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ पंजाब के बटाला के नजदीक हरदान गांव में दो युवकों द्वारा अपनी बेटी के साथ घर में घुसकर जबरन छेड़छाड़ से रोकने पर दोनों में से एक युवक ने लड़की के पिता पर रिवॉल्वर से 5 फायर कर दिए। गोलियों की आवाज सुनकर गांव वालों ने दोनों मनचलों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की तथा पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के पिता को गंभीर हालत में सिविल हॉस्पिटल बटाला में दाखिल करवाया गया है, जहाँ से उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया है। इस दौरान SHO थाना
रंगड़ नंगल राजेश कक्कड़ ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं जनाब पुरी गया अपनी मासी का पता लैन, ओदा ठीक नहीं रही, गुरदासपुर रही तो पता लैंड मेरी, जो मैं वापस आया तो मेरी कुड़ी पेपर पाँदी दसवीं च पेपर पा के आई है, ये मुंडे दो मेरी कुड़ी ने जबरदस्ती कांडे ने मौका तो मैं आ गया, इन्हों मुद्दे साड़ी मेरे से गोली चलानी चालू की है, मुड़ के मेरे भरावान ने इन्हों फुकेरा पा के फड़ लिया, दो एक तो तिंदा वा तो एक मरना का वा तो मैं ना का नहीं पता, मेरा मेरा पिंड हरदान वा, एक रांझाई का एक मरना का वो ना का नहीं पता, मैं हाँ मैं तो मतलब कुजरती आ गया उत्थे मैं तो पता ही नहीं पिया कम कार हो गया, हाँ जी घर मेरा सड़क के उत्ते ही है कुड़ी कली ही, मैं घर की मेरी उत्थे पता लग गए मासी, हाँ जी वो कि उदो ही आई कुड़ी तो इन्होंने वेख्या घर जंदरा बजा कुड़ी ने खोलिया उदो ही इन्हें घेर लिया, पछतावा पछतावा पुलिस ने हाँ फड़ता इन्हों का, हाँ जी मुंडे फड़ लिया पछतौल भी फड़ लिया मुझे, मेरे दो लगी दो सोलह साल की दसवीं के पेपर दे। पिंड हरदान में कुलवंत सिंह पुत्र सवर्ण सिंह गोली लगने बारे पता लगा सी कि उन्होंने दो मुंडे ने तलजिंदर ते बलजीत ने गोली लगाई है, वो दी पता लगा ते पता लगे हुण तफ्तीश करनी चाहिए, गोली क्यों मारी कोई छेड़छाड़ कहिंदे दी बेटी ने कर रही हाले तफ्तीश तफ्तीश जारी है, जिस तरह जो हालात सामने दसांगे आपां। अमृतसर के सरदार जितेंद्र सिंह औलख IPS पुलिस कमिश्नर अमृतसर जी के दिशा निर्देशों के अनुसार नशीले पदार्थों का धंधा करने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, इसी के चलते इंस्पेक्टर गोविंदर महाजन नारकोटिक सेल अमृतसर को PHG नरेंद्र पाल द्वारा चर्स स्मगलर संबंधी दी गई इतलाह के चलते पुलिस टीम द्वारा टी पॉइंट लोहारका रोड बाईपास पर नाकेबंदी की गई, जहां ADCP क्राइम बाल कृष्ण सिगला आदि पुलिस कर्मचारियों को दिल्ली के नंबर की गाड़ी फतेहगढ़ चूड़िया से बाईपास की तरफ आती दिखाई दी, जिसे रोककर पुलिस द्वारा तलाशी ली गई तो 30 पैकेट चरस के बरामद किए गए। इस दौरान पुलिस अधिकारी ADCP लखबीर सिंह ने बताया कि उक्त आरोपियों पर धारा 20, 25, 29, 61, 85 NDPS एक्ट थाना सदर अमृतसर में FIR दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। उधर चौं सी 25 किलो स्मैक सॉरी चरस बरामद की थी, तफ्तीश जारी है, दो बंदे काबू भी किए ने, जो फैक्ट होएगा जो सामने आएगा जेड़ा जेड़ा होर इन्वॉल्व होएगा देखेंगे। लेके आ रहा है क्यों चल रहा है मुरली पुलिस स्टेशन तो पाया गया भी बिहार तो लेके आ रहा है, बिहार तो गां कितों है केड़ा केड़े कंट्री नाल जा केड़े नाल दे लिंक ने वो अगली एरी तफ्तीश तो सामने आएगा जो आएगा उस नाल दस्सेंगे। कीमत दी मार्केट कीमत वैल्यू कोई 13 to 15 lakh रुपए दे करीब दसी जा रही है, बाकी तफ्तीश जा रही है देखेंगे। उम्र अराउंड 35 to 40 साल। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुरुद्वारा एक्ट में संशोधन का जथेदार अकाल तख्त ने किया स्वागत। अमृतसर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना हुआ 40 श्रद्धालु का जत्था। अमृतसर पुलिस ने तस्करों से बरामद की 30 पैकेट चरस। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत।